गुड आफ्टरनून ऑल पार्टिसिपेंट्स। नो नो, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, वी विल कम, वेल कम बैक लेटर। I mean, unmute your mic, go live. We start or wait? Go live, please. Namaste, good afternoon. 200 attendees. वेबिनार में सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। अभी काफ़ी लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगभग 300 के आसपास ऑलरेडी अटेंडीज आ भी गए हैं। तो पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं।
एक या दो मिनट के उपरांत हम ये अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। आज के इस वेबिनार में मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जल्दी ही हम अपना वेबिनार शुरू करेंगे। अभी काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो बस एक या दो मिनट के उपरांत ही हम शुरू करते हैं। Unmute your mic, go live, please. Ladies and gentlemen, good afternoon, namaste. Lockdown के बाद CNC machines पुनः आरंभ करने हेतु बरतने वाली या ली जाने वाली सावधानियों के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। एस माइक्रोमेटिक ग्रुप की ओर से मैं आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप में से ज़्यादातर जानते ही हैं कि एस माइक्रोमेटिक ग्रुप भारत का सबसे बड़ा मशीन टूल ग्रुप है। हमारी 55,000 से भी अधिक मशीन्स देश और विदेश में कार्य कर रही हैं। भारत में 55 से भी अधिक लोकेशंस में हमारी सेल्स और सर्विस टीम उपलब्ध है। आज के इस वेबिनार को प्रस्तुत करने वाली अपनी टीम से मैं आपका परिचय कराता हूं। लगभग एक घंटे के इस सेशन को ब्रॉडली हम दो चरण में बांट सकते हैं। पहला भाग मशीन ऑन करने से पहले ली जाने वाली सावधानियां और दूसरा भाग मशीन ऑन होने के बाद की जानकारियां। पहला भाग प्रस्तुत करेंगे मेरे सहयोगी मिस्टर पवन शर्मा, सर्विस हेड लुधियाना ब्रांच, और दूसरा भाग प्रस्तुत करेंगे मेरे साथी कुंज ताम्रकर, सर्विस हेड फरीदाबाद ब्रांच, और मैं आज आपका एंकर प्रवीण चौधरी, रीजनल हेड पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। कोरोना महामारी ने हम सभी की जिंदगी को प्रभावित किया है और देश में सभी इंडस्ट्रीज और उसमें लगी मशीनरी लगभग 40 दिनों से बंद पड़ी है और अब आने वाले दिनों में कहीं कहीं इसके खुलने की संभावना भी बन रही है। इस वेबिनार के माध्यम से आज हम उन समस्याओं और उनके समाधान की चर्चा करेंगे जो कि इतने दिनों से बंद पड़ी मशीन्स में आ सकती है। हमारा फोकस ये बताने में रहेगा कि CNC मशीन्स दोबारा शुरू करने में किन किन सावधानियों का लेना जरूरी हो जाता है। कृपया ध्यान रहे, यहाँ जो भी सुझाव मेरी टीम द्वारा दिए जा रहे हैं वो एस माइक्रोमेटिक ग्रुप की मशीन्स, CNC लेथ्स, मशीनिंग सेंटर्स और CNC ग्राइंडर्स को ध्यान में रखकर बताए जा रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर सुझाव बाकी सभी मेटल कटिंग मशीन्स पर भी
लागू किए जा सकते हैं, लेकिन हमारी आपसे विनती है कि मशीन टूल बिल्डर्स की सलाह लेकर ही आप इन्हें दूसरी मशीन्स पर लागू करें। यदि आप हमसे कोई प्रश्न करना चाहें तो हम आपको सुन तो नहीं पाएंगे। हाँ, आप अपने स्क्रीन पर Q&A सेक्शन में जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल टाइप करके भेज सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन रिप्लाई भी देंगे और ये वेबिनार खत्म होने के बाद कोशिश करेंगे आपके सभी रिप्लाई यहाँ पे दे डालें। यदि ज़्यादा डिटेल्ड रिप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल द्वारा आपको अवश्य ही संपर्क करेंगे। तो आज का वेबिनार हम पहले चरण से शुरू करते हैं। ओवर टू माई कोलीग पवन शर्मा। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार शर्मा आज के इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार जन के साथ सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इस वेबिनार के माध्यम से हम तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले, मशीन पावर ऑन करने से पहले हमें किन किन सावधानियों को बरतना है और किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। इसी तरह मशीन ऑन होने के बाद लिए जाने वाले स्टेप और सावधानियां भी हम आज जानेंगे। इसके उपरांत हमें अपनी मशीन को वार्म अप किस तरह से करना है यह भी हम आज यहां पर समझेंगे। आइए साथियों, मशीन को पावर ऑन करने से पहले लिए जाने वाले स्टेप्स और सावधानियों के बारे में मैं आपको अवगत कराता हूं। साथियों, जैसा हम सभी जानते हैं, सेफ्टी इज फर्स्ट, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता हमेशा होती है। इसीलिए ह्यूमन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें यह इंश्योर करना है कि हम प्रॉपर पीपीई का इस्तेमाल करें, जैसे सेफ्टी गॉगल्स, हैंड ग्लव्स और सेफ्टी शूज। साथ ही साथ साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना है हम खाली हाथों से मशीन को या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को ना छुएं और इंश्योर करें हमारी मशीन और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के पावर ऑफ हो, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की भी संभावना रहती है। साथियों, COVID-19 वायरस के खतरे को देखते हुए आज हमें अपने वर्कप्लेस, मशीन, आसपास के हर वो जगह जिसके संपर्क में हम बार बार आते हैं या बार बार उन्हें हम छूते हैं, सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक है। अपनी मशीन पर कुछ एरिए जिन्हें हमें सैनिटाइज करना चाहिए वह मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जैसे MDI की सीट, हमारे ऑपरेटिंग पैनल पे जो कीबोर्ड होता है उसे हमें सैनिटाइज करना होगा क्योंकि यह ऑपरेटर के संपर्क में बार बार आता है। इसी तरह मशीन डोर हैंडल, इसको भी ऑपरेटर कई बार यूज करता है इसलिए इसे भी सैनिटाइज करना आवश्यक है। साथियों, मशीन ऑन ऑफ करना भी एक रूटीन एक्टिविटी है इसलिए इसे भी सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक है। CNC ऑन ऑफ स्विच का यूज भी हम बार बार करते हैं इसलिए इसे भी सैनिटाइज करना जरूरी है। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक प्रेशर गेजेस, इसको भी हमें सैनिटाइज करना है। साथ ही साथ साथियों, प्रेशर एडजस्ट करने के लिए जो हम रेगुलेटर यूज करते हैं या उसकी नोब को छूते हैं उसे भी हमें सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। वर्क होल्डिंग, जैसे चक या फिक्चर या कॉलेट, इसको भी हमें सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑपरेटर
कंपोनेंट लोड और अनलोड करते हुए इसके संपर्क में लगातार आता है। साथियों, हमारी जो टूलिंग्स है उसको भी हमें सैनिटाइज करना है और उसके होल्डर्स को भी सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। हमारे ऑपरेटिंग पैनल्स पर और भी पुश बटन, सेलेक्टर स्विच या एलपीजी होता है जिसका हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उसे भी हमें सैनिटाइज करना है। इसके अलावा भी हमारे वर्कप्लेस पर जिसके संपर्क में हम बार बार आते हैं या जिसे हम बार बार छूते हैं, उसे हमें सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे हम कंपोनेंट की गेजिंग करने के लिए जो यूज करते हैं उसे भी हमें सैनिटाइज करना है और अपने आसपास के एरिया को भी सैनिटाइज रखना है। साथियों, यह सैनिटाइजेशन यह एक नया प्रोसेस है जिसे हमने अपने कार्यशैली में इससे पहले कभी इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। इस प्रोसेस को अपनाना हमारी जरूरत और जिम्मेदारी भी है। इस प्रोसेस को हमें कैसे अपनाना है और इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, यह मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा। सबसे पहले इंश्योर करें हमारी मशीन की पावर ऑफ है, यानी मशीन स्विच्ड ऑफ कंडीशन में है। इसके बाद एक साफ कपड़े में जो भी सैनिटाइजेशन सॉल्वेंट आप यूज करने वाले हो उसको उसमें भिगोएं और उस एरिया को अच्छे से साफ करें। साथियों, एथेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का हम कॉमनली सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह एक तरह का केमिकल है, इसलिए हमें इसके मैन्युफैक्चरर द्वारा बताए जाने वाली इंस्ट्रक्शन और वार्निंग को फॉलो करना है। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है इसका डिल्यूशन रेशियो सही हो, यानी इसकी कंसंट्रेशन सही हो। इस केमिकल के पार्टिकल्स हमारे पार्ट्स पर ज़्यादा देर रहने से उसके कलर को प्रभावित कर सकते हैं या उस पे रस्टिंग भी कर सकते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए हम एक साफ कपड़े को पानी में भिगोकर और उसे अच्छी तरह निचोड़कर अपने उस एरिया को फिर से साफ कर सकते हैं ताकि हमारे केमिकल के पार्टिकल्स तक सभी वहां से हट जाएं। साथियों, ये सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसको हम अपने प्रोसेस में हमें अपनाना है, साथ ही साथ एक चेकलिस्ट के माध्यम से भी हम इसे इंश्योर कर सकते हैं कि यह एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम कर रहे हैं। इसके बाद हम मशीन का विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। मशीन के चारों ओर यूज होने वाली मशीन की एसेसरीज और पार्ट्स, इनका हम विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। इसके कुछ उदाहरण आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोलिक यूनिट, कूलेंट सर्किट, न्यूमेटिक सर्किट। इनमें हमें यह चेक करना है कि जो इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं वह प्रॉपर कनेक्टेड है, कोई डैमेज नहीं है। साथ ही साथ हाइड्रोलिक और कूलेंट पाइप्स प्रॉपर फिटिंग में कनेक्टेड हैं और कोई पाइप डैमेज नहीं है। इसी तरह अपने न्यूमेटिक सर्किट की भी हम जांच करेंगे, उसमें कोई पाइप निकला हुआ तो नहीं है या कोई पाइप डैमेज तो नहीं है। ऐसा कुछ भी एबनॉर्मलिटी मिलने पर हमें उसे इसी स्टेप पर करेक्ट करना है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पर हमें जाना चाहिए क्योंकि इसके गलत परिणाम हो सकते हैं। साथियों, इसके बाद हम अपने इलेक्ट्रिकल पैनल और
ऑपरेटिंग पैनल का भी विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे और हम जांच करेंगे कि मशीन के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज या पैनल में कोई एबनॉर्मेलिटीज ना हो, क्योंकि मशीन एक लंबे समय से बंद है तो हो सकता है चूहे ने कोई केबल काट दी हो। अगर हमको यहाँ पर चूहे के एंट्री के कोई एविडेंस मिलते हैं, हमें अपना सर्किट प्रॉपर चेक करना है, साथ ही साथ उसकी फील्ड वायरिंग भी हमें चेक करनी है, कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज मिलने पर उसे करेक्ट करना है। साथ ही साथ यह भी ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिकल पैनल में कहीं रस्टिंग या कोई मॉइस्चर या कहीं पानी तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ मिलता है उसे करेक्ट करेंगे और उसके सोर्स को भी हम करेक्ट करेंगे। साथियों, इस दौरान अगर आपको कोई असुविधा होती है या फॉल्ट फाइंडिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कस्टमर केयर पे बात करके भी सहायता ले सकते हैं। इसी तरह से हमारी मशीन पे जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनका भी हमें विजुअल इंस्पेक्शन करना है, जैसे टैरेट, स्पेंडल, चक, एक्सिस की स्लाइड्स, उसके पार्ट्स, टेलीस्कोपिक कवर, इन चीज़ों का भी हमें विजुअल इंस्पेक्शन करना है। इसका एक उदाहरण हमने अपने इस स्क्रीन पर दिखाया है। जैसे एक्सिस का बोर स्क्रू अगर आपको रस्टिंग कंडीशन में मिलता है तो उसे हम सही करेंगे। साथ ही साथ हमें ध्यान देना है कोई अनवांटेड मटेरियल, कॉटन या चिप्स वहाँ पे कलेक्टेड नहीं है, और इंश्योर करेंगे हमारे मैकेनिकल पार्ट की फंक्शनैलिटी में कोई प्रभाव ना पड़े। इसके बाद हम अपनी मशीन में यूज होने वाले एयर सप्लाई की जांच करेंगे। यह हमें 5 बार प्रेशर मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारी एयर सप्लाई ड्राई होनी चाहिए और उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होने चाहिए। साथियों, मॉइस्चर चेक करने के लिए हम एक प्लेन पेपर पर एयर की पर्जिंग करके उसके मार्क्स पेपर पे आसानी से देख सकते हैं। अगर हमें यहाँ कोई एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो हमें एयर ड्राइव चेक करना होगा। साथियों, यहीं पर हम एक लुब्रिकेशन यूनिट भी यूज करते हैं, इसे FRL लुब्रिकेशन बोलते हैं। हमें यह भी चेक करना है इसका लेवल सही है और रिकमेंडेड ऑयल ही यूज किया गया है। इसके बाद हमारी मशीन में स्लाइड के लुब्रिकेशन के लिए, एक्सिस के लुब्रिकेशन के लिए एक लुब्रिकेशन यूनिट लगी होती है। इस लुब्रिकेशन यूनिट के टैंक को हमें अच्छे से साफ करना है और इसमें फ्रेश ऑयल फिल करना है, और यह भी ध्यान रख के इसमें हम रिकमेंडेड ऑयल ही यूज करें। साथियों, इसमें जो लेवल इंडिकेटर लगा होता है इसकी सहायता से आप यह इंश्योर करेंगे कि इसका लेवल ग्रीन जोन में हो। लुब्रिकेशन मशीन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो हमारे एक्सिस के मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। साथियों, मशीन एक लंबे समय से बंद होने के कारण उसमें जो कूलेंट है, हो सकता है उसमें बैक्टीरिया जनरेट हो गए हों, जिसकी वजह से कूलेंट में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और यह कूलेंट हमारे मशीन के पार्ट्स के लिए बहुत हानिकारक होता है। साथ ही साथ यह ऑपरेटर के स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है, यह स्किन पर एलर्जी भी कर सकता है। इसलिए हमें कूलेंट टैंक को अच्छे से साफ करना है, उसमें लगे सभी फिल्टर्स हमें प्रॉपर क्लीन करने हैं, फिर उसमें रिकमेंडेड ग्रेड से
और सही कंसंट्रेशन से बने कूलेंट को फिल करना है और उसका लेवल हमें एक ग्रीन जोन में मेंटेन रखना है। साथियों, इसी तरह से हम अपनी मशीन में अलग अलग जगह पर अलग अलग इम्पोर्टेंस के हिसाब से ऑयल यूज करते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। साथियों, जैसे हाइड्रोलिक पावर पैक, इसका में हमें चेक करना है कि हमारे ऑयल की कंडीशन सही है और उसका लेवल ग्रीन जोन में है। यह आप एक इंडिकेटर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इस तरह का इंडिकेटर आपको इस टैंक पे मिलेगा। साथ ही साथ हाइड्रोलिक पावर पैक में यूज होने वाले रिटर्न लाइन फिल्टर और सेक्शन फिल्टर भी हमें क्लीन करने होंगे। अगर आप ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके व्हील हेड और वर्क हेड में भी हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। उसके भी ऑयल की आपको कंडीशन चेक करनी है और जरूरत पड़ने पर चेंज भी करनी है। साथियों, इसी तरह एफआरएल यूनिट में भी हम लुब्रिकेशन ऑयल यूज करते हैं, उसका लेवल हमारा ग्रीन जोन में होना चाहिए। अपनी टर्निंग मशीन में टैरेट में भी हम गियर ऑयल यूज करते हैं, उसमें हम इंश्योर करेंगे ऑयल की कंडीशन सही है और वह एक रिकमेंडेड लेवल पर मेंटेन है। एचएमसी और बीएमसी मशीन के केस में वहां पर हम ऑटोमेटिक टूल चेंजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके गियर बॉक्स में भी हम ऑयल यूज करते हैं, उसका लेवल भी हमें चेक करना है। और इंडेक्स टेबल के गियर बॉक्स में भी हम ऑयल का यूज करते हैं, उसे भी चेक करेंगे और जरूरत पड़ने पर उसे चेंज भी करेंगे। साथियों, चिप कन्वेयर के गियर बॉक्स को भी हमें चेक करना है, उसमें भी ऑयल लेवल ग्रीन जोन में ही होना चाहिए। अगर आपकी मशीन में गियर स्पिंडल है तो उसमें भी हम ऑयल लेवल चेक करेंगे और ऑयल की कंडीशन भी जांचेंगे। हमारी बीएमसी मशीन में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिलेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं, जो टूल क्लैंप अनक्लैंप करने के काम आता है। उसमें भी हमें ऑयल लेवल चेक करना है और उसे एक लेवल तक मेंटेन रखना है। साथियों, मशीन के अलग अलग एरिया में यूज होने वाले ऑयल की जानकारी और उनके रिकमेंडेड ग्रेड्स आपको ऑपरेटिंग मैनुअल में आसानी से मिल सकते हैं। फिर भी आपको कुछ असुविधा होती है तो यह जानकारी आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके भी ले सकते हैं। साथियों, अगर लॉकडाउन से पहले मशीन ऑफ करते समय आपने इसकी सिस्टम बैटरी निकाल ली थी तो यह बैटरी हमें अब वापस लगानी होगी। हो सकता है कुछ साथियों ने यह बैटरी इसलिए निकाल ली हो ताकि हम इसे सेव कर पाए और साथ ही साथ उसका एसएनएम बैकअप भी लिया होना चाहिए। यह बैटरी लगाने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो पहला फोटो आप इसमें देख रहे हैं, यह हमारे डिस्प्ले यूनिट का बैक साइड का व्यू है, इसे हम सिस्टम भी कहते हैं। इसके राइट हैंड कॉर्नर पर यह एक पोर्टेबल बैटरी लगी होती है। इस बैटरी को इस क्लब की सहायता से दबा के आसानी से निकाला जा सकता है और इसी तरह से लगाया भी जा सकता है। साथियों, यह एक प्लग एंड प्ले टाइप की बैटरी होती है, इसके हमें कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं करने होते। मैं एक बार पुनः अपनी बात को दोहराना चाहूँगा, अगर आपने लॉकडाउन से पहले मशीन ऑफ करते हुए यह बैटरी नहीं निकाली थी तो यह स्टेप आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्टेप आपको स्किप करना है। बैटरी की जांच फिर हम मशीन ऑन होने के बाद उसमें आने वाले अलार्म से ही कर पाएंगे। इसी तरह से अगर किसी ने
इसकी ड्राइव की बैटरी एब्सोल्यूट पल्स कोटर बैटरी जिसको हम बोलते हैं वो निकाली है लॉकडाउन से पहले, तो वो भी अभी हमें वापस लगानी होगी। यह है बैटरी लगाने के लिए, इसमें दिखाए जाने वाले जो रेड सर्कल में हमने दिखाया है, इस बॉक्स को हम आसानी से खोल सकते हैं साइड में क्लिप की सहायता से, और इसमें इस तरह की एक बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी होती है। यह भी एक प्लग एंड प्ले टाइप की बैटरी होती है, इसलिए इसे लगाकर इसके कनेक्टर को राइट हैंड साइड पे बनी जगह पर हम प्लग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मित्सुबिशी का कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो यह बैटरी आपको इसके फ्रंट कवर को खोलने के बाद दिखाई देगी। इस बैटरी को आप आसानी से लगा सकते हैं और इसी के ऊपर यहाँ पर इसका कनेक्टर फिक्स होता है। यह भी एक प्लग एंड प्ले टाइप की बैटरी है, इनके कोई हमें एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं करने होते। साथियों, सीमेंस में हम एब्सोल्यूट पल्स कोटर बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वहां पर यह स्टेप लागू नहीं होगा। साथियों, मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराना चाहूंगा, अगर लॉकडाउन से पहले मशीन ऑफ करते समय आपने बैटरी नहीं निकाली थी तो यह स्टेप आपको करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्टेप आपको स्किप करना है। बैटरी की जांच पावर ऑन होने के बाद उसमें आने वाले अलार्मों से की जा सकती है। इसी तरह से ड्राइव बैटरी के सिस्टम बैटरी के पास ही 2 फैन लगे होते हैं जिन्हें हम सिस्टम फैन कहते हैं। इन फैन को भी हमें क्लीन करना है। यह फैन एक क्लिप की सहायता से प्रेस करके आसानी से बाहर निकाला जा सकता है और इसी तरह से इंसर्ट किया जा सकता है। यह भी एक प्लग एंड प्ले टाइप की डिवाइस है, इसके भी हमें कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं करने होते, इसलिए कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। साथियों, पर एक चीज का ध्यान रखना है, इसे साफ करने के लिए हमें न्यूमेटिक प्रेशर का यूज नहीं करना, उससे यह फैन डैमेज भी हो सकता है। इसी तरह से ड्राइव के पीछे भी कुछ फैन लगे होते हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल फैन या हीट सिंक फैन भी बोलते हैं। पहले फोटो में दिखाया गया यह एक फानू का एक्सटर्नल फैन है, इसको भी आपको साफ करना है और फिर उसे उसी जगह पर लगाना है। सीमेंस के केस में यह एक्सटर्नल फैन कुछ इस तरह का दिखता है, इसको हमें साफ करना है और वापस उसकी जगह पर हमें कनेक्ट करना है। इसी तरह से साथियों, ड्राइव में कुछ इंटरनल फैन भी होते हैं, उसे साफ करने के लिए ड्राइव के टॉप पर एक येलो कलर का कवर होता है, उसे हमें 2 पिन की सहायता से दबा के, उसमें 2 स्लॉट होते हैं, उन्हें दबा के हम उस कवर को आसानी से ऊपर की ओर निकाल सकते हैं। कवर के साथ ही हमारा फैन भी बाहर आ जाता है, उस फैन को साफ करके उसी तरह फिर हमें उसी स्लॉट में बिठाते हुए उसे वापस प्लग कर देना है। इस दौरान हमें ध्यान रखना है फैन हम सही डायरेक्शन में लगा रहे हों और उसका कवर के स्लॉट सही जगह मैच हो रहे हो, वरना हमारे फैन के कनेक्टर की पिन भी डैमेज हो सकती है। साथियों, हमारे स्पिंडल की मोटर में भी हम कूलिंग फैन का यूज करते हैं, मोटर ओवरहीट की प्रोटेक्शन के लिए हमें यह भी फैन क्लीन करना बहुत जरूरी है, इसे हम क्लीन करेंगे। इसके बाद हम अपने स्टेबलाइजर की पावर ऑन कर सकते हैं। साथियों, इस समय हमें ध्यान रखना है किसी मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से या किसी और कारण से इसका फेज सीक्वेंस ना चेंज हो गया हो, इसके लिए हम इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। आउटपुट वोल्टेज हमें फेस टू फेस 415 वोल्ट मिलनी चाहिए और यह सही सीक्वेंस में होना चाहिए। साथियों, स्टेबलाइजर की पावर ऑन करने के बाद यह हमारे मशीन के इनपुट पर पहुंचती है। मशीन की इनपुट सप्लाई ऑन करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा
यह चौथे नंबर के फोटो में दिखाए गए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की भी हम विजुअल इंस्पेक्शन अवश्य कर लें। इस पे एक कवर लगा होता है, इस कवर को हटा करके हमें चेक करना है कहीं चूहे ने कोई केबल तो नहीं काट दी है या इसमें कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है। अगर ऐसा मिलता है तो उसे हम इमीडिएट करेक्ट करेंगे, उसी के बाद हम मशीन की मेन सप्लाई ऑन कर सकते हैं। मशीन की मेन सप्लाई ऑन करने के बाद हमें 5 से 10 मिनट यह चेक करना है कोई बर्निंग स्मेल तो नहीं आ रही या मशीन के ऑपरेटिंग पैनल और इलेक्ट्रिकल पैनल में कोई स्पार्क तो नहीं हो रहा या कोई केबल ओवरहीट तो नहीं हो रही। यह सब जांच करने के बाद हमें मशीन की इनपुट सप्लाई चेक करनी है। यह सप्लाई फेस टू फेस हमें 415 वोल्ट मिलनी चाहिए। साथियों, इसकी टॉलरेंस होती है ±10%, इसलिए 10% के वेरिएशन पे भी अगर हमें वोल्टेज मिलती है तो वह भी हमारे लिए सही है। यह वोल्टेज हमें न्यूट्रल के साथ भी चेक करनी है। तीनों फेज में बराबर लगभग बराबर 220 वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए और इन तीनों फेज को हम अर्थ के साथ भी चेक करेंगे। उस केस में भी हमें तीनों फेज में लगभग बराबर 220 वोल्ट मिलनी चाहिए। साथियों, हम अपने अर्थ और न्यूट्रल के बीच में भी वोल्टेज चेक करेंगे, यह 3 वोल्ट से कम आना चाहिए। इसे चेक करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर को एसी के मिनिमम पर सेट करके इसको चेक कर सकते हैं। साथियों, अर्थिंग मशीन के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को लीकेज करंट से बचाता है, साथ ही साथ यह ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी वजह से कोई केबल कट होकर मशीन की बॉडी पे टच हो जाएगी तो इम्प्रॉपर अर्थिंग के केस में ऑपरेटर को करंट लग सकता है, इसलिए इंश्योर करें मशीन की अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वोल्टेज सही मिलने के बाद हम अपनी मशीन को इमरजेंसी प्रेस करके ऑन करेंगे, यानी पहले मशीन के ऑपरेटिंग पैनल पर लगी इमरजेंसी को प्रेस करेंगे और फिर वहां पे दिए गए सीएनसी ऑन बटन को हम दबाएंगे। इससे हमारा सिस्टम बूट होना शुरू होगा। अगर हमारा सिस्टम आसानी से बूट हो जाता है फिर हम उसके अलार्म स्क्रीन की जांच करेंगे और अगर हमें कोई सिस्टम एरर इसमें शो होती है तो हमें इसमें SRAM बैकअप डालना होगा। और यदि लॉकडाउन से पहले हमने इसकी सिस्टम बैटरी निकाल दी थी फिर तो हमें इसका SRAM बैकअप डालना ही है। SRAM बैकअप डालने के लिए हमें CF कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें साथियों, इसे सही ओरिएंटेशन में ही लगाएं। इसके लिए मशीन पर एक स्टिकर भी लगा होता है। साथियों, यह भी इंश्योर करें हम उसी मशीन का SRAM बैकअप उसमें डालें, किसी और मशीन का बैकअप हम दूसरी मशीन में नहीं डाल सकते, इससे उसके फंक्शनल प्रॉब्लम हो सकती है और फिर इसकी ट्रबल शूटिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। SRAM बैकअप हमारे मशीन मैनुअल के साथ जो CD आती है उसमें भी दिया जाता है। यह एक आसान प्रक्रिया है। इसमें अगर आपको कोई हमारी आवश्यकता है तो आप हमारे कस्टमर केयर पर भी बात कर सकते हैं और हम टेलीफोनिक सपोर्ट से यह कार्य आसानी से करवा सकते हैं। साथियों, इसके बाद हमें अपनी अलार्म स्क्रीन को चेक करना है। इस पे आने वाले सभी अलार्म को स्टेप बाय स्टेप हम रिजॉल्व करेंगे और यदि इस पे कोई बैटरी वोल्टेज लो ऐसा कुछ अलार्म हमें दिखता है तो हमें इसकी ड्राइव बैटरी चेक करनी होगी, उसमें 6 वोल्ट आने चाहिए और उसका कनेक्टर प्रॉपर लगा होना चाहिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो हमें ड्राइव बैटरी चेंज करनी होगी।
अलार्म स्क्रीन पे आने वाले सभी अलार्म को क्लियर करने के बाद हमें इसकी मैसेज स्क्रीन को भी देखना होगा। अगर वहां पे इस तरह से एपीसी बिलिंग हो रहा है तो हमें इसका मतलब है अभी तो आपकी मशीन चल गई है, पर इसकी जो ड्राइव बैटरी है उसकी वोल्टेज एक लेवल से डाउन चली गई है और जल्दी से जल्दी हमें यह चेंज करनी होगी। साथियों, ड्राइव बैटरी और सिस्टम बैटरी चेंज करते हुए हमें यह ध्यान रखना है हमारी मशीन ऑन कंडीशन में होनी चाहिए और हो सके तो मशीन को जनरेटर पे शिफ्ट करके भी हम यह कार्य कर सकते हैं ताकि हमारे मशीन का पैरामीटर बैकअप लॉस्ट ना हो और हमारा मशीन का एक्सिस रेफरेंस डिस्टर्ब ना हो। साथियों, इसके बाद हमें अपनी मशीन की इमरजेंसी को रिलीज करना है और चेक करना है उसमें कोई अलार्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको इसमें अलार्म आता है या कोई असुविधा होती है आप हमारे कस्टमर केयर पे फोन कर सकते हैं, हम इसमें आपकी हर संभव कोशिश करेंगे उसे सॉल्व कराने की। साथियों, अब आपकी मशीन रेडी है और उसकी पावर प्रॉपरली ऑन हो गई है, इसमें कोई अलार्म नहीं है। इससे आगे की जानकारी और दिशा निर्देश बताने के लिए मैं अपने साथी श्री कुंज तांबरेकर जी को आमंत्रित करता हूं। अनम्यूट योर माइक कुंज तांबरेकर। फुल स्क्रीन। गो लाइव, गो लाइव, गो लाइव। तांबरेकर अनम्यूट। अनम्यूट। स्टार्ट, गो लाइव। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। आगे की जानकारी हम अब सबसे पहले अभी मशीन हम ऑन कर चुके हैं, सारे जो सिस्टम अलार्म है, बैटरी अलार्म है वो क्लियर होने के बाद हम मशीन को लुब्रिकेशन चेक करेंगे। लुब्रिकेशन चेक करने के लिए सबसे पहले हमें लुब्रिकेशन स्विच प्रेस करना है। लुब्रिकेशन प्रेस चेक करने के बाद हमें यह चेक करना है कि इसमें प्रॉपर प्रेशर बन रहा कि नहीं है। यदि किसी वजह से इसमें प्रेशर नहीं आ रहा है तो हमें मोटर की डायरेक्शन चेक करनी है। मोटर की डायरेक्शन यदि अपोजिट है तो फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फेज सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया है। ये कोई भी मेंटेनेंस वर्क वगैरह जो कि फैक्ट्री में हुआ हो, आपका स्टेबलाइजर पे कोई काम हुआ हो, फीडर ट्रांसफार्मर में काम हुआ हो, इसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ आपकी हो गई हो। लुब्रिकेशन चेक करने के बाद हमें इसको कंटिन्यूस 3-4 साइकिल आपको ऑन करना है। नेक्स्ट, लुब्रिकेशन ऑन करने के बाद हमें स्लाइड को कम फीड में मूव करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे, नेगेटिव डायरेक्शन पे और दोनों डायरेक्शन पे हमें मूव करना है, एक्स एक्सिस को मूव करना है। साथ ही साथ आपको लुब्रिकेशन का जो स्विच है वो प्रेस करते जाना है। इस प्रोसेस को करते हुए हमें मॉनिटर पे रहना है जिसमें आप करंट परसेंटेज चेक कर रहे हैं, करंट परसेंटेज चेक करना है और उसी प्रकार से स्पिंडल भी आपको चेक करना है, स्पिंडल का लोड वगैरह चेक करना है। पहले हमने अपना लुब्रिकेशन चेक कर लिया, सेकंड हमने अपना करंट परसेंटेज चेक कर लिया। नाउ हमको अब चेक करना है कोई अबनॉर्मल आवाज़ तो नहीं है, नॉइस तो नहीं है, अबनॉर्मल नॉइस तो नहीं है। इसके लिए हम जो एरियाज में हमें चेक करना है वो है एक्सिस है, टेलीस्कोपिक कवर है, स्पिंडल बेयरिंग है, स्पिंडल बेल्ट है, हाइड्रोलिक पंप है, कूलेंट पंप है, टरेट इंडेक्सिंग है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर है, व्हील हेड है, वर्क हेड है,
इसकी हम डिटेल में जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट असेंबली वाइज मशीन पे करेंगे। अब हमारा पहला स्पिंडल लुब्रिकेशन चेक हो गया, स्पिंडल चेक हो, करंट चेक हो गया, नाउ हम अब स्पिंडल को चेक करेंगे। स्पिंडल को चेक करने के लिए हमें पहले लेथ मशीन का स्पिंडल चेक करेंगे। हम लेथ मशीन का स्पिंडल चेक करने के लिए पहले हम इसको हैंड से दोनों डायरेक्शन पर रोटेट करेंगे, स्लोली स्लोली रोटेट करते हुए चेक करेंगे कोई इसमें जर्किंग तो नहीं है, कुछ अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। यदि अबनॉर्मलिटी नहीं है तो इसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे इस MDI मोड पे इसको रन करेंगे। पहले 50 RPM, फिर 100 RPM, 150 RPM, 200 RPM ऐसे करके ग्रेजुअल इंटरवल पे हम इसको चलाते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा VMC का स्पिंडल। VMC के स्पिंडल में हमको ये ध्यान रखना है कि उसका स्पिंडल जो टूल क्लैंप हो उसी कंडीशन पे ही हमें उसको रोटेट करना है। थर्ड वन इज आपका ग्राइंडिंग मशीन है। ग्राइंडिंग मशीन का वर्क हेड का स्पिंडल को इसी तरीके से रोटेट करना है। अब हमने सबसे पहले लुब्रिकेशन चेक किया, उसके बाद करंट परसेंटेज चेक किया, स्पिंडल चेक किया। नाउ हम चौथे स्टेज पे आ जाते हैं, मशीन के हाइड्रोलिक्स चेक करना है, कूलेंट्स चेक करना है। तो एक बार हमने कंफर्म कर लिया कि मोटर की डायरेक्शन यदि लुब्रिकेशन में सही है तो डायरेक्शन इसकी सही होगी। इसमें हमको प्रेशर चेक करना है, सिस्टम प्रेशर, चेक प्रेशर, टेल स्टॉक प्रेशर। उसी तरीके से हमें इसका VMC का कूलेंट चेक करना है, टरेट में पपेट वॉल वगैरह यदि ब्लॉकेज है तो उसको क्लीन करना है, उसको कूलेंट का फ्लो चेक करना है, प्रेशर चेक करना है, थोड़े देर तक कूलेंट इसको चालू रखना है, इससे हमारा जो भी ब्लॉकेज वगैरह है वो क्लियर हो जाएगा। ग्राइंडिंग व्हील पे स्पिंडल सही, ग्राइंडिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील पे आपका कूलेंट फ्लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी हमें चेक करना है। नेक्स्ट है टर्निंग मशीन। टर्निंग मशीन को असेंबली वाइज हमें क्या क्या चेक करना है इसकी हम डिटेल में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोलिक पावर पैक, अभी जैसे कि हमने हाइड्रोलिक पावर पैक में नया ऑयल भरा है तो कुछ देर हमको हाइड्रोलिक पावर पैक चालू करना है। चक क्लैंप डी क्लैंप, चक डी क्लैंप क्लैंप जो है फुट स्विच से कुछ देर के लिए हमें ऑपरेट करना है, उसके बाद उसको MDI में भी चेक करना है। अभी असेंबली वाइज हम इसको चेक कर लेंगे तो जब बाद में हम वार्म अप साइकिल चलाएंगे या कंप्लीट रन पे चलाएंगे तो उस समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मशीन बंद है, नया ऑयल हमने फिल किया है तो हो सकता है आपके जो अपना स्पिंडल है, चेकिंग सिलेंडर है, होस पाइप है, रिड्यूसर वॉल्व है, प्रेशर स्विच है, वहाँ पे स्टिकीनेस हो, तो ये क्लेम डिक्लेम करेंगे हम और इसको मूवमेंट को उसकी फ्री करेंगे। इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये सारा जो फंक्शन है हमारा टाइमर बेस पे चलता है। जैसा कि आपको मालूम है CNC सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम है, तो कोई भी हम कमांड करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन की कंफर्मेशन होती है, तो वो कंफर्मेशन नहीं आएगी तो टाइम डिले होगा, टाइम डिले की वजह से आपको अलार्म आ सकता है लेटर स्टेज में। तो ये फंक्शन आपको क्लेम डिक्लेम का प्रॉपर चेक करना है, हाइड्रोलिक पूरी आपको रोटेट कर लेनी है, हाइड्रोलिक को कवर कर लेना है। टरेट इंडेक्सिंग, सेम टरेट इंडेक्सिंग में आपको यही करना है, टरेट इंडेक्सिंग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है, रिवर्स डायरेक्शन पे घुमाना है, कमांडेड स्टेशन डिजायर्ड स्टेशन दोनों मैच करने हैं। इसी तरीके से आपको टरेट को हर स्टेशन पे चेक करना है। अगले चेक करेंगे हम टेल स्टॉक व्हील मूवमेंट को। मशीन कई दिनों से बंद है, हो सकता है कि टेल स्टॉक व्हील का थोड़ा सा आपका जाम हो, इसको मूव करने के लिए पहले उसको रोटेट करें, पहले उसको फॉरवर्ड करें, रिवर्स करें। यदि ये नहीं होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर जो कि आपका सिस्टम प्रेशर 30 kg है, टेल स्टॉक के प्रेशर को भी आपको 30 kg तक लेके जाना पड़ेगा। उस दौरान आप चेक करें कि वो मूव होता है कि नहीं होता है। यदि मूव नहीं होता है तो थोड़ा सा उसको आप प्लास्टिक मैलेट या हैमर से उसको आप टैप कर सकते हैं। मूव हो जाता है तो एक्सटर्नल लुब्रिकेशन करते हुए उसको मूव करें और उसको फिर जो आपका ओरिजिनल प्रेशर है वहाँ पे सेट कर दें। कन्वेयर सिस्टम, कन्वेयर सिस्टम में भी हम यही करेंगे। कन्वेयर को आपको मैनुअल मोड पे पहले चेक करना है, फॉरवर्ड में, रिवर्स में। कई दिनों से मशीन बंद है, ये भी हम उसमें चेक करना है कि भाई उसमें कोई कंपोनेंट तो फॉल नहीं है, कोई टूल है, कुछ और भी चीज़ें तो ऑब्स्टेकल्स नहीं कर रही है उसके मूवमेंट में, तो वो सारी चीज़ें चेक करके हमको उसको क्लियर करना है। देन उसके बाद कन्वेयर हम आपको ऑटो मोड में इसको चला सकते हैं। अगला स्टेप है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन गेंट्री रोबोट ऑटो लोडर। इसमें एक एक्सपर्टाइज स्किल की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हमारी रिकमेंडेशन है कि
ऑथराइज सर्विस पर्सनल से ही इस के लिए कांटेक्ट करें, ये मतलब उसी से ही कांटेक्ट करना है आपको। अगला है ऑटो डोर में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम फर्स्ट साइकिल में चलाएंगे ऑटो डोर को तो काफ़ी तेज मूवमेंट में चला, इसका कारण ये होता है कि जो मशीन बंद रहती है तो कुछ टाइम पे उसके जो दोनों पोर्ट से एयर जो है ब्लीड ऑफ हो जाती है, तो कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होता, पीछे से कुशनिंग भी नहीं होती, तो फर्स्ट मूवमेंट में वो काफ़ी तेज चलता है। उसके लिए आपको पहले जो साइकिल है वो आपको स्लोली चलाना है, मतलब कोई ऑब्स्टेकल बीच में ना आए, डोर मूवमेंट सारी क्लियर हो, वही आपको चेक करते हुए उसको चलाना है। इसी तरह चिलर यूनिट है, चिलर यूनिट को भी चेक करना है। कूलेंट है, कूलेंट को भी कुछ देर के लिए आपको चलाना है, नोजल्स वगैरह पे सारा कूलेंट का फ्लो प्रेशर चेक करना है। पार्ट्स कैचर आपकी मशीन में है तो पार्ट्स कैचर को भी फॉरवर्ड रिवर्स मूवमेंट करना है, कोई भी मूवेबल पार्ट है जहाँ लुब्रिकेशन नहीं है वहाँ एक्सटर्नल लुब्रिकेशन आपको प्रोवाइड करनी है। स्टडी रेस्ट है, स्टडी रेस्ट को रोलर को हमको मूव करना है, दोनों डायरेक्शन पे मूव करना है, कोई ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है, उसको क्लेम डिक्लेम करना है, उसके बाद हम इसको चला सकते हैं। बार फीडर को भी मैनुअल मोड पे पहले चलाएं, यदि अलाइनमेंट की कोई ज़रूरत है तो उसको अलाइनमेंट करें और उसके बाद हम उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है वीएमसी मशीन, वीएमसी मशीन की जो सारी सब असेंबलीज हैं हम उसको एक के बाद एक हम चेक करेंगे। टूल क्लेम डिक्लेम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिन से मशीन बंद है तो हो सकता है इस पर कुछ इफेक्ट आए। टूल क्लेम डिक्लेम के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि टूल प्रॉपरली डिक्लेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कि जो ड्रॉबार में ग्रीस है वो सूख गई हो, उसमें स्टिकीनेस आ गई हो, इस वजह से ये जो टूल डिक्लेम है वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो, तो ये प्रोसेस को 2-3 बार आपको रिपीट करना है। रिपीट करते हुए यदि ये पॉसिबल नहीं है कि टूल डिक्लेम नहीं हो रहा तो थोड़ा सा आप टैपिंग कर सकते हैं मैलेट वगैरह का यूज़ करके। इसके बाद इसमें आप डमी टूल यूज़ करें और डमी टूल लगा के इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करें। टूल डिक्लेम जो होता है, टूल डिक्लेम जो अपने ही वेट से गिर जाना चाहिए, इसको ये ध्यान रखें। अगला स्टेप है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ऑटोमेटिक टूल चेंजर में भी हमें यही ध्यान रखना है, इसको इंडिविजुअली अलग अलग जो एरियाज हैं उसको चेक करने हैं। सबसे पहले हमें मैगजीन इंडेक्स करानी है दोनों डायरेक्शन पे, उसके बाद हमें पॉकेट अप डाउन करनी है, पॉकेट अप डाउन के बाद टूल चेंज करना है स्पिंडल टू मैगजीन एंड मैगजीन टू स्पिंडल। तो ये चीज़ चेंज करने के बाद हम MDI मोड पे इसको चेक कर सकते हैं, इसकी भी सारी फंक्शनिंग चेक कर सकते हैं। ये इसके लिए आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना लें और टूल चेंज साइकिल में डाल लें हम, ताकि बाद में जब वार्म अप साइकिल चलाएंगे और फाइनल ट्रायल लेंगे मशीन का तो उस समय कोई सिग्नल डिले ना आए। आपको जैसा कि मालूम है सिग्नल की वजह सारी जो सिस्टम है वो मॉनिटर टाइम है, जिसे CNC मॉनिटर करती है, तो इसमें कोई भी डिले आएगा तो मशीन अलार्म दे के रुक जाएगी, वॉच डॉग टाइमर इसको देखता रहता है। अगला हमारी प्रोसेस है इंडेक्स टेबल, इंडेक्स टेबल को भी जैसे हमने टरेट को चेक किया था CNC लेस मशीन पर उसी तरीके से चेक करना है, फॉरवर्ड में रिवर्स में इस कमांडेड पोजीशन देखनी है उसकी, अलग अलग पोजीशन पे सही रुक रही है नहीं रुक रही है, और इसको एक छोटा सा प्रोग्राम बना कर थोड़ी देर के लिए हम इसको रोटेट करवा सकते हैं। अगली स्टेप है हाइड्रोलिक पावर पैक, हाइड्रोलिक पावर पैक को भी इसी तरीके से चेक करना है। हाइड्रोलिक पावर पैक VMCs में फिक्सर और पैलेट चेंजर के लिए यूज़ होता है, तो हाइड्रोलिक पावर पैक जो है उसको उसकी भी फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोलिक पावर पैक में ये ध्यान रखना है कि जैसे काफ़ी दिनों से मशीन बंद है तो जो पैलेट चेंजर के जो सिलेंडर्स हैं और होस पाइप्स हैं वॉल्स हैं उसमें एयर ट्रैप हो गई होगी, तो कुछ टाइम तक हमको पैलेट चेंजर को भी चलाना है ताकि वो जो एयर ट्रैप है ब्लीड ऑफ हो जाए और कोई सिग्नल डिले ना हो जिसकी वजह से कोई अलार्म जनरेट ना हो, तो ये हमको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और ये पावर पैक को थोड़ी देर से चालू रखेंगे तो एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे ऑयल आ जाएगा और उसके बाद सारी फंक्शनिंग जो है नॉर्मल हो जाएगी। उसी तरीके से फिक्सर को भी हमें करना है, सेम फिक्सर को मूवमेंट करानी है, क्लैंप डिक्लैंप सारा और एक्सटर्नल लुब्रिकेशन करना है जहाँ भी ज़रूरत है। ऑटोमेशन सेटिंग के लिए हमारी सेम रिकमेंडेशन है, इसके लिए आप ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर के पास ही जाएं। ऑयल स्कीमर जो है इसको सेटिंग करें, इसकी फंक्शनिंग चेक करें। कन्वेयर सिस्टम जैसा कि हमने लेथ मशीन पर चेक किया था, कोई ऑब्स्टेकल ना हो,
कोई उसमें पार्ट्स ना हो, कंपोनेंट ना हो, तो वो सारा चेक करके इसको पहले मैनुअल मोड पे फ्रंट में और रिवर्स में चेक करें, और थोड़ी देर चेक करने के बाद ही इसको फिर हम इसको साइकिल में इसको डाल सकते हैं। कूलेंट को भी कुछ टाइम तक आप चालू रखें, इसमें कई दिन से मशीन में स्मग, इस कूलेंट के जो पैसेज हैं उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मग हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें पैसेज जो है क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कूलेंट थ्रू स्पिंडल, ये कुछ मशीनों में अवेलेबल होता है। इसके लिए पहले चेक करें कि जो हमारा कूलेंट टैंक है, कूलेंट टैंक के साथ ही एक सेपरेट पोर्शन होता है जहाँ फिल्ट्रेशन और इस सारा सिस्टम रहता है, जो कि पहले एक मिस्टर पवन ने आपको शो किया था। उसके फिल्टर बैग साफ होने चाहिए और आपका जो हाई प्रेशर कूलेंट है वो आपका प्रॉपर फंक्शनिंग करना चाहिए। उसके बाद हमने चेक करना है कि उसका जो फ्लो है वो प्रॉपर वहाँ पे आ रहा हो फिल्ट्रेशन के बाद। देन फिल्ट्रेशन के बाद ये जाता है डुबलिन पे, डुबलिन जो कि एक रोटरी जॉइंट है ड्रॉवर पे होती है, डुबलिन के थ्रू इस आपका ये जाएगा आपका स्पिंडल पे, स्पिंडल में जो गैसकेट होती है गैसकेट से ये आपके टूल पे जाएगा। इस पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो टूल पे जाता है वो स्पेशल टूल होता है, उसमें भी पैसेज होता है, नॉर्मल टूल से अलग होता है। वो ट्राई करें इसको और जो स्पिंडल कूलेंट थ्रू स्पिंडल टूल है उसी का ही यूज़ करें। ऑटो डोर के लिए हमारी वही रिकमेंडेशन है कि इसको पहले साइकिल में ऑब्स्टेकल्स फ्री है जो है उसको चेक करें, देन उसके बाद आपका फर्स्ट साइकिल में इसको चलाएं, नॉर्मल हो जाए तो फिर इसको ऑटो डोर पे आप चला सकते हैं। चिलर यूनिट पावर पैक के लिए चिलर यूनिट भी होता है, चिलर यूनिट को भी चेक करें। एयर ड्रायर को भी इसी तरह चेक करें। एयर ड्रायर जो है काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमारी ATC की साइकिल जो है वो सारा ड्यूबेटिक बेस पे चलती है, उसकी प्री रिक्विजिट ही हमारी ये है कि वो क्लीन एयर हो, ड्राई एयर हो, ताकि कोई फंक्शनिंग में दिक्कत ना आए और प्रॉपर वॉल्यूम पे हो। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कई बार जो फिक्सचर के लिए हम न्यूमेटिक फिक्सचर है तो उसके लिए वहीं से लाइन टैप कर देते हैं मशीन के पास से, इसमें आपको टैपिंग अलग से लेनी है जो कि मेन सप्लाई फैक्ट्रीज में होती हैं, वहीं से टैपिंग लेनी है, फिक्सचर के लिए अलग लेनी है, मशीन के लिए अलग लेनी है, ताकि किसी वजह से वॉल्यूम का उसमें डिफरेंस आए तो ATC के फंक्शनिंग पे अलार्म जनरेट ना हो उसमें। नेक्स्ट हमारा स्टेप है ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन को भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे। ग्राइंडिंग मशीन में पहले हम वर्क हेड चेक करेंगे, उसकी बेल्ट वगैरह चेक करेंगे, ग्रेजुअल स्पीड में उसको हम रोटेट करेंगे। देन है आपका व्हील हेड। व्हील हेड में भी हमने चेक करना है कि व्हील को अलग अलग एंगुलर पोजीशन पे हम रोक के देखेंगे, वहाँ पे ये देखेंगे कहीं अपने वेट से ही तो वो मूव नहीं कर जा रहा है। यदि मान लो इसमें कुछ आपको लगता है बैलेंसिंग की कुछ दिक्कत है तो व्हील निकाल के आपको बाहर बैलेंसिंग वापस से करनी है बैलेंसिंग वेट की वजह से। देन नेक्स्ट है आपका IPG को फॉरवर्ड रिवर्स मूवमेंट में आपको चेक करना है। फ्लैगिंग है, फ्लैगिंग की प्रूफ वगैरह जो है स्टाइलस जो है वो प्रॉपर हो वो भी चेक करनी है आपको। ड्रेसर यूनिट का पूरा प्रोग्राम चलाना है, पूरी रेंज पे चलाना है, जितनी आपकी व्हील की थिकनेस है उस रेंज पे आपको चलाना है उसको। साथ में ड्रेसर जो है उसको भी चेक करना है, ड्रेसर प्रॉपर है कि नहीं है। हाइड्रोलिक पावर पैक को भी इसी तरीके से चलाना है, इसको वार्म अप में ताकि कुछ दिक्कत ना आए, और कुछ देर के लिए इसको चालू करके छोड़ना है ताकि जो टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल एम्बियंट टेम्परेचर से +15 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वहाँ तक आ जाए। टेबल की भी मूवमेंट हमने पूरी स्ट्रोक पे चेक करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन पे। टेल स्टॉक, जैसा कि हमने लेथ मशीन पे बताया था, टेल स्टॉक यदि कुछ जैमिंग है, काफ़ी दिनों से नहीं चला है, तो इसमें भी सेम जैसा कि लेथ मशीन पे हमने प्रोसेस किया था उसी हिसाब से चलाएं इसको, और फॉरवर्ड रिवर्स करके इसको फ्री करें। कूलेंट भी हमें इसी तरीके से चेक करना है, कूलेंट को कुछ देर चालू करके छोड़ना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने कटिंग ऑयल मिक्स किया है वाटर के साथ, वो सारा का सारा मिक्सअप प्रॉपर हो जाए ताकि वो यूनिफॉर्म हो जाए। लीनियर स्केल में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, लीनियर स्केल में पीछे एक न्यूमेटिक कनेक्शन होता है जहाँ 1 bar का प्रेशर हम देते हैं, उसमें उसका कारण यह है कि एयर ब्लीड होती रहती है और वहाँ से कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, कूलेंट है, वो लीनियर स्केल पे एंटर ना करे, वहाँ उसकी प्रोटेक्शन के लिए। हो सकता है कई दिन के लिए मशीन बंद है तो वहाँ पे ये चीज़ ब्लॉक हो, तो उस चीज़ को प्रॉपर चेक कर ले, साफ़ कर ले और उस चीज़ को आप श्योर कर ले। ऑटोमेशन के लिए हमारी वही रिकमेंडेशन है कि इसकी आप ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर से ही इसके लिए संपर्क करें।
मिस्ट कलेक्टर, मिस्ट कलेक्टर ग्राइंडिंग मशीन में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। इसको इसको मतलब आपको चेक करने के लिए एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लेना है और जहाँ सक्शन है वहाँ पे इसको फ्लाई ऑफ करना है। यदि वो शक कर लेता है पेपर अंदर की तरफ तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन सही है, मिस्ट कलेक्टर प्रॉपर काम कर रहा है। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि कोई भी मिस्ट कलेक्टर में वाइब्रेशन तो नहीं है ड्यूरिंग रनिंग, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है। नेक्स्ट ऑटो डोर, ऑटो डोर में भी हमें यही चेक करना है। ऑटो डोर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेफ्टी है, जैसा कि लेथ मशीन में बताया था मैंने, कि उसमें आपको फर्स्ट साइकिल में थोड़ा ध्यानपूर्वक चलाना है और उसके बाद सेकंड थर्ड में ये नॉर्मल पे नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा, उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं। कूलेंट चिलर यूनिट, कूलेंट चिलर यूनिट में हम कूलेंट चिलर यूनिट जो है ग्राइंडिंग मशीन में यूज़ होता है, ये इसलिए है कि इसमें एक्यूरेसी और जो सरफेस फिनिश की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा होती है। इसमें हमें ये देखना कि आउटपुट में जो ग्राइंडिंग मतलब चिलर यूनिट के आउटपुट में जो टेम्परेचर है वहाँ पे डिस्प्ले होता है, जो डिस्प्ले है वहाँ पे कितना टेम्परेचर आ रहा है वो चीज़ हमें चेक करनी है। नॉर्मली ये टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री का होता है जो कि फैक्ट्री प्रीसेट होता है, उसे आपने डिस्टर्ब नहीं करना, जस्ट आपको श्योर करना है कितना है वो। स्टडी रेस्ट, स्टडी रेस्ट की सेम रिकमेंडेशन है, आपको उसी तरह से चेक करना है, रोलर की मूवमेंट चेक करनी है, एक्सटर्नल लुब्रिकेशन करना है, उस तरीके से आप चेक करना है। अब ये हमने तीनों टर्निंग वीएमसी और ग्राइंडिंग मशीन की जो सब असेंबलीज हैं उनको इंडिविजुअली चेक कर लिया, उनको छोटे छोटे प्रोग्राम बना के भी चेक कर लिया है। अब इसके बाद हम मशीन पे वार्म अप साइकिल पे आएंगे। वार्म अप साइकिल के लिए पहले हम जाते हैं लेथ मशीन पे, सीएनसी लेथ पे। अभी आपका वार्म अप साइकिल के लिए सीएनसी लेथ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि सारे फंक्शन जो हैं सब असेंबलीज के वो इंक्लूड करेंगे। एक्स जेड की मूवमेंट हो है, टरेट इंडेक्सिंग है, स्पिंडल रिवर्स फॉरवर्ड है, टेल स्टॉक व्हील रिवर्स फॉरवर्ड है, वो सारी की सारी हम उसमें प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। प्रोग्राम में इंक्लूड करने के बाद उस प्रोग्राम को सिंगल ऑटो पे चलाएंगे, देखेंगे प्लीज। हम इस अब लेथ मशीन हम इसके बाद लेथ मशीन में एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद उसको वार्म अप साइकिल पे चलाएंगे। इसके लिए जो भी सब असेंबलीज हैं, सब असेंबलीज का सारे के सारे कमांड जो हैं वो प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए जो प्रोग्राम हम चलाएंगे पहले उसको 15 मिनट के लिए चलाएंगे, रैपिड जो है 25 पे रहेगा, देन उसके बाद 50 पे रहेगा, ऐसे करके ग्रेजुअली हम इसको स्पीड अप करेंगे। नेक्स्ट है आपका ये प्रोग्राम, जब आपका वार्म अप साइकिल का प्रोग्राम चल रहा हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मॉनिटर वाली स्क्रीन पे ही रहना जहाँ पे करंट परसेंटेज और स्पिंडल लोड मीटर डिस्प्ले होता है, वहाँ पे इसको जो करंट परसेंटेज है और स्पिंडल लोड मीटर है दोनों हमें चेक करना है। लुब्रिकेशन भी चेक करना है और जब ये साइकिल चल रही हो तो उस समय आपके मशीन के आसपास हमको चेक करना है कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं पे कोई हाइड्रोलिक लीकेज की तो नहीं है, कूलेंट की लीकेज तो नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि आप अब आपका कूलेंट और जो हाइड्रोलिक सिस्टम है फुल फ्लैश चल चुका है, तो कहीं से भी कनेक्टर लूज है, होस पाइप में पंचर है, तो आप वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। लुब्रिकेशन भी इसी तरीके से चेक करना है। इसमें चक ओवर ऑयलिंग का विशेष ध्यान देना है, यदि चक ओवर ऑयलिंग नहीं हुआ है तो काफ़ी दिन से मशीन आपकी बंद है तो इसमें चक की ओवर ऑयलिंग करना है। इसमें जो हमारी रिकमेंडेशन है कि OKS 265 ग्रीस ही यूज़ करना है। OKS 265 ग्रीस हमारे सभी ऑफिसर्स में उपलब्ध है, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। एक वार्म अप साइकिल चलने के बाद हमें ये वार्म अप साइकिल चलने के बाद हम एक प्रोग्राम जो कि मशीन पे चलाना है उस पर उसके हिसाब से टूल मशीन पे क्लेम करेंगे, सारे टूल बांधेंगे, देन उसके बाद आप टूल ऑफसेट वगैरह उसका क्रॉस चेक करेंगे क्योंकि हमने सिस्टम बैटरी और पैरामीटर्स भी इसमें रिकमेंडेशन दी है कि डालने पड़ सकते हैं, यदि डला है तो हम
सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद ही उसको फर्स्ट ट्रायल रन पे चलाएंगे। तो आप टूल ऑफसेट है और वर्क ऑफसेट है, ये हर बार इसको मतलब फर्स्ट साइकिल पे चेक करना है। ऑफसेट लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि बैटरी हमने चेंज करी है या रिप्लेस करी है। यदि नहीं करी है, टूल ऑफसेट कन्फर्म है, तो ठीक है, इसको हम स्किप कर सकते हैं इस प्रोसेस को, यदि पहले से आपने कुछ केयर ली है या बीच में मशीन चला रहे हैं आप। फर्स्ट कंपोनेंट हमारी ऑलवेज रिकमेंडेशन है, कभी भी कोई सेटिंग करते हैं आप, कोई नई मशीन पे भी सेटिंग करते हैं या कोई नया कंपोनेंट डेवलप करते हैं, तो उसको सिंगल ऑटो में ही चलाना है। सिंगल ऑटो कंफर्म होने के बाद उसको फिर आपको ऑटो रन पे डालना है और फिर इसको मशीन पर। अब ये सारे प्रोसेस करने में हमें कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। इसमें आप धैर्य रखें और अब इसके बाद ये मशीन जो है आपकी प्रोडक्शन के लिए तैयार है, जो कि लॉकडाउन के पहले थी आपकी, जो जिस कंडीशन पे हमने मशीन को स्टॉप किया था। इसी सीरीज में हमारी नेक्स्ट मशीन है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा कि उसके सारे सब फंक्शन हमने चेक किए थे, वो सारे फंक्शन चेक करने के बाद इसका उसको पैलेट चेंज है, पैलेट चेंज, ATC के सारे टूल्स हैं जो 24 स्टेशन टूल है, उसके सारे टूल्स लेके इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाए। छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए बना के इसको रैपिड में चलाएं, 25% रैपिड पे चलाएं पहले, फिर उसके बाद 50% की रैपिड पे चलाएं, फिर उसके बाद 100% की रैपिड पे चलाएं। इस पर यह ध्यान रखना है कि हर साइकिल के बाद 15-15 मिनट के अंतराल पर ही चलाएं, ताकि इस जो लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर से सारी स्लाइड्स पे हो जाए और किसी तरह की जैमिंग, जर्किंग या उस तरह की चीज़ उसमें ना रहे। जैसा कि हमने लेस मशीन में बताया था कि ये कोई भी वार्म अप साइकिल हम जब चला रहे हैं तो जो करंट, जो स्क्रीन है हमारी, वो करंट परसेंटेज और स्पिंडल मॉनिटर पे ही होनी चाहिए, ताकि हम बीच बीच पे उसको मॉनिटर करते रहें। लुब्रिकेशन सारे एरिया उसमें हो रहा है कि नहीं है चेक करना है। टेलीस्कोपिक कवर, टेलीस्कोपिक कवर में भी आप एक्सटर्नल लुब्रिकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि कई दिन से बंद है, उसमें भी कुछ जैमिंग या रस्टिंग हो सकती है, तो उसको आप एक्सटर्नली ऑयल कैन से उसको लुब्रिकेट करें और उसके बाद वो स्मूथ हो जाएगा। ये जब वार्म अप साइकिल आपका चल रहा, तो इसमें विशेष ध्यान ये रखें कि इसके मशीन के चारों तरफ आपको चेक करना है, कोई कूलेंट लीकेज तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल नॉइज़ तो नहीं आ रही है। इससे यदि ऐसा कुछ आपको लगता है तो उस मशीन को स्टॉप करें, उस चीज़ को रेक्टिफाई करें और देन फिर इस प्रोसेस को दोबारा आप चालू करें। मशीन जब टूल लोड करेंगे, उससे पहले स्पिंडल का टेपर है, टूल होल्डर्स हैं, टूल पॉकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर क्लीन करनी है, उसके बाद ही आपको इसको स्पिंडल पे टूल डालने हैं। पहला जॉब जो है उसको फर्स्ट रन ऑटो कट पे ही चलाना है, देन आपका टूल है, टूल के ऑफसेट्स है वो लेने हैं आपको। अब इसके बाद ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपकी मशीन जो है अब प्रोडक्शन के लिए रेडी है। नेक्स्ट है आपकी ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन में भी इसी तरीके से इनिशियल रन करना है। इसमें ग्राइंडिंग मशीन पे मशीन के साथ एक वार्म अप साइकिल का प्रोग्राम आता है, जो कि आपको उसको चलाना है। उसमें सारी स्ट्रोक लेंथ होती है, सारे फंक्शंस होते हैं। इसको भी 15 मिनट के अंतराल पे 25, 50 और 100% के उस पर चलाना है। करंट परसेंटेज आपको इंश्योर करते रहना है। लुब्रिकेशन फ्लो का प्रॉपर है कि नहीं है वो चेक करना है आपको। फर्स्ट कंपोनेंट जो है सिंगल ऑटो मोड पे चालू करना है। कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई एबनॉर्मल नॉइस वगैरह तो नहीं है मोटर पे, वो चेक करना है। और कोई एबनॉर्मलिटी है तो मशीन को स्टॉप करके अगले मतलब दोबारा से उस प्रोसेस को करेक्ट करके दोबारा से उस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। अब ये सारी मशीन को हमने वार्म अप साइकिल पे चला लिया है, देन उसको फर्स्ट रन पे चला लिया है। अगला अब सेशन को कंक्लूड करने के लिए मैं अपने सहयोगी
प्रवीण चौधरी जी को निवेदन करूंगा कि वो अपना आगे का सेशन कंक्लूड करें। नमस्कार। हाँ, थैंक यू पवन और ताम्रकर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में भाग लेने के लिए। हम सभी पार्टिसिपेंट्स का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये वेबिनार आपके लिए उपयोगी रहेगा। बंधुओं, ये स्थिति में आज जहाँ पर हम हैं, हमने ना तो कभी किसी ने ये स्थिति पहले देखी है और भगवान ना करें कि ये स्थिति हम फिर कभी आगे देखें। इसलिए अपने अनुभव से जो कुछ हम आज आपको शेयर कर सकते थे वो हमने शेयर किया है। मैं चाहूँगा कि आज के इस वेबिनार को हम समाप्त करके कुछ यहाँ से आप मूल मंत्र लेके जाएं, यानी कि बुलेट पॉइंट्स। जैसे अगर हम इस वेबिनार को समाप्त करें तो मशीन ऑन करने से पहले दो चीज़, सैनिटाइज और विजुअल इंस्पेक्शन अति आवश्यक है। उसी तरह से मशीन ऑन करने के बाद में सारे फंक्शंस सारे कंप्लीट चेक करने के बाद में वार्म अप और ड्राई रन, ये पूरा होने के बाद ही आप मशीन को चलाएं। आपसे अनुरोध रहेगा कि हम जो भी आप हमें सुझाव देना चाहें इसके लिए अवश्य भेजें। यह दिखाई गई पीपीटी आने वाले सप्ताह में हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो जाएगी। एस माइक्रोमैटिक की सीएनसी मशीन्स रीस्टार्ट करने में यदि कोई भी परेशानी आपको आती है तो हमारी टीम फोन पर आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है। हम व्हाट्सएप द्वारा अकेले अपने सर्विस इंजीनियर्स के फोन पर भी आपको शेयर कर देंगे। यदि फोन द्वारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो पाए तो एरिया के अनुसार जो भी सरकार की हिदायतें हैं उनका पालन करते हुए हम विजिट प्लान करने की भी कोशिश करेंगे। आपसे अनुरोध रहेगा कि हैवी वर्कलोड, सोशल डिस्टेंसिंग या गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस के चलते कॉल्स अटेंड करने में थोड़ा समय लग सकता है। आपके सहयोग की आशा करते हैं। काइंडली बेयर विद अस। इस माइक्रोमैटिक की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना महामारी की वजह से जो संकट इंडस्ट्रीज पर मंडरा रहा है उससे सीएनसी मशीन्स में होने वाली समस्याओं से उभरने में हम एस माइक्रोमैटिक टीम अपने सभी कस्टमर्स की हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंत में एक बार फिर आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आप सभी का समय देने के लिए और हमें निरंतर सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। थैंक यू।